हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये हमारी सिक्स्थ वीडियो है इस बिग बैश स्क्वाड एनालिसिस के पार्ट की। आज हम बात करने जा रहे हैं सिडनी थंडर के बारे में। क्या ये इस टाइम जीत पाएंगे? देखो, मैंने जितना बिग बैश को फॉलो किया, मैंने देखा है ये मोस्ट अनलकीस्ट टीम रही है। कभी एक मैच से बाहर हो गई, कभी रन रेट से बाहर हो गई, कभी ये कभी वो, और पंटर्स पे खेल के बहुत कसार है। तो आइए चलिए बात करते हैं इसके बारे में, स्क्वाड एनालिसिस करते हैं इसका भी आज। तो स्क्वाड देख लेते हैं, आप साइड में देख सकते हैं स्क्वाड। मैं प्रोबेबल 11 की बात करने जाऊंगा। उस्मान ख्वाजा दे रखे हैं, भाई साहब हंस रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये खेलेंगे नहीं। मेरे ख्याल से क्या, ये खेलेंगे ही नहीं, ये एशेज के लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो उनकी लाइनअप रहने वाली है वो इस तरह से रहेगी, एलेक्स हिल्स और मैथ्यू जिल्स ओपनिंग करने जाएंगे, वन डाउन ओलिवर डेविस, सेकंड डाउन सैम बिलिंग्स, देन एलेक्स रॉस, देन सैम्स कटिंग, और नीचे ऑलराउंडर्स हैं कुछ लाइक ब्रैंडन डोजेट, नथन मैकेंड्रू। बॉलिंग में रहेंगे क्रिस ट्रेमेन, तनवीर संगा। ये मेरे ख्याल से लाइनअप इनकी रहने वाली है। आई एम सॉरी, साकिब महमूद इज़ देयर, सो इंग्लैंड से हायर इनको किया, तो ऑब्वियसली ये भी खेलने वाले हैं। एक ठीक ठाक पिक्स है मेरे ख्याल से। तो मेन पॉइंट हैं जो ख्वाजा हैं वो भाई साहब अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि स्टेबल प्लेयर हैं, पारी को होल्ड करते हैं, 40-50 रन वाले प्लेयर हैं अच्छे। जब भी अगर एक एवरेज स्कोर बनता है 150-160, तो उसमें बड़े काम आते हैं ये। बट इस बार भी हमेशा की तरह इनकी बैटिंग जो है थोड़ी डेंजरस है, स्पेशली लोअर ऑर्डर, जिसमें आपका नंबर 4 से आपका बिलिंग्स आते हैं, 5 पे सैम्स रॉस कटिंग, तो लोअर ऑर्डर डेंजरस है इनका। ऊपर तो हिल्स हैं ही, पर लोअर ऑर्डर खास तौर से डेंजरस है। बॉलिंग फिर से मुझे इनकी वीक लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मैकेंड्रू या ट्रेमेन या संगा जो कि या सैम्स इवन, ये कोई अच्छे बॉलर हैं। सब ढीले ढाले से बॉलर हैं, कोई बहुत खास नहीं है। अब इनको विकेट्स कैसे मिलती हैं, पिचेस कैसे मिलती हैं, वो एक अलग बात रहेगी, बट उतनी खास बॉलिंग मेरे को लग नहीं रही है। इस जैसा इनका सेटअप दिया गया है, बनाया गया है, आपको नज़र रखनी होगी जैकपॉट के ऊपर, वो भी तब जब इनके 2-3 आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो हेल्थ इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, मान लो हेल्थ निकलता है तो दो प्लेट जो हैं डेविस और जिल्क्स, उनके ऊपर शायद मार्केट उतना विश्वास ना करे और ऑड्स को डाउन रखे। तो जब वो दो विकेट भी जाएंगे तो हाँ, मार्केट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑड्स गिरा दे इनके, सॉरी अपोजिट टीम के फेवर में, तो वहाँ पे आपको चांस लेना है। ओलिवर डेविस माइट स्केयर सम टीम्स। ओलिवर डेविस ऐसे प्लेयर हैं, मैंने देखा उनको डोमेस्टिक में खेलते हो, बड़े लंबे छक्के मारते हैं। अभी उतनी लंबी कदकाठी के हैं भी नहीं, पर जो उनका एक खेलने का तरीका है वो कुछ एशियन प्लेयर की तरह है। स्पिनर्स को बढ़िया मारते हैं। लास्ट ईयर मैंने देखा था नबी को एक ओवर में 4 छक्के मारे थे उन्होंने, तो ऐसा साहस भी करना बड़ी बात होती है एक बाहर के प्लेयर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इनके ग्राउंड्स की बात करते हैं। इनके दो ग्राउंड्स हैं, एक मानुका ओवल और एक सिडनी शो ग्राउंड। मानुका ओवल में लास्ट 12 मैचेस खेले गए हैं 3 सीजन में, जिनमें 5 डिफेंड 7 चेज, और सिडनी शो ग्राउंड में 11 खेले गए हैं लास्ट 3 सीजन में, 7 डिफेंड 5 चेज। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा, इसको देख के तो आप ये कह नहीं सकते कि चेज बायस्ड है या डिफेंड बायस्ड है। पर मैंने दोनों केसेस में देखा, अगर बड़ा स्कोर बन जाता है ना दोनों ग्राउंड पे, तो फिर वो चेजिंग को इतना सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि जो हार का मैंने डिफरेंस देखा है वो 60 रन 70 रन के, लेकिन 100 रन भी रहा है, उतना ऐसा मतलब चेजिंग वाले ग्राउंड यहाँ नहीं रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर खेल रहे होंगे बैट अपनी, तो मान लीजिए कोई टीम है उसने 180-185 रन बना लिए, उसकी बॉलिंग में थोड़ा भी दम है, तो वो उसको फिर चेज तो होना मुश्किल रहेगा, जैसा अभी तक की हिस्ट्री रही है। अनलेस इस बार ये पिच कोई रोड बना दे तो एक अलग बात है, पर रोड क्यों बनाएंगे भाई? रोड बनाएंगे तो 180 पहली पारी में बनेगा, बंदे सेशन में प्लस होएंगे, फिर बंदे टीम भी खाएंगे, फिर 180 चेज होएगा तो बंदे उसमें प्लस होएंगे, तो ऐसा काम थोड़ी ना करते हैं बुग्गी लोग। तो एक दो ग्राउंड को छोड़ के ऐसे ग्राउंड नहीं बनने वाले हैं, ऐसे कंडीशन नहीं रखने वाले हैं। कब की क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे इनका टीम है, पहली बात तो इनको बेनिफिट ये मिल रहा है कि इनके ख्वाजा को छोड़ दें तो सारे प्लेयर पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखिए, जब आप एक टूर्नामेंट में खेलते हैं और उसमें प्लेयर अंदर बाहर होते रहते हैं ना, तो वो आपके लिए बड़ा टीम का एक सिस्टम बिगाड़ देता है कि यार अब ये आ रहा है वो आ रहा है। कोच जो होते हैं, प्लेयर जो होते हैं, वो आपस में एक जो उनका तालमेल होता है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, इनके प्लेयर जो है पूरे सीजन के लिए अवेलेबल हैं,
सारे प्लेयर फोकस करेंगे कप के जीतने पर, अनलेस माफिया भाई साहब आ जाए। कुछ इनमें ना चोकर्स हैं, तो इनके नाम दिए मैंने सैम्स और कटिंग, उन पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, स्पेशली जब वो बॉलिंग कर रहे हो। बैटिंग में तो एक बार को कर सकते हैं, पर बॉलिंग में बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। ये अगर मान लो कटिंग और सैम्स बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट के 4 ओवर में 50 रन भी चाहिए तो वो चेज करवा देंगे, नकली प्लेयर हैं ये। और इनकी आपको एक और बात देखनी है, जहाँ ये 5 मैच जीत जाएं लाइन से तो अगले 5 मैचों में इनके मैच या तो स्किप कर दें या इनकी जीत ना लगाएं या कम लिमिट से खेलें। कहने का मतलब ये है कि 5 मैच जीत के अगले 5 हार भी सकते हैं, ये इनकी हिस्ट्री रही है, तो इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा। ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से ये एक बैलेंस टीम है, और मुझे लगता है कि ये इस टूर्नामेंट में अच्छा करने वाली है, क्योंकि बाकी टीमें भी कमज़ोर हो रही हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं इस वीडियो को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का घंटा दबा दें ज़ोर से, ताकि हम बुकी भाई साहब का भी घंटा दबा सकें। थैंक यू।